हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आइस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विश्लेषण, जिसमें हम लोग न्यूज़पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं। इस सीरीज़ में हम आपको प्रतिदिन रात में 10 बजे एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा। तो विश्लेषण सीरीज़ को शुरू करते हैं। आज के लिए हमने दो आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं। पहला आर्टिकल है आईज ऑन अमेरिका फ्लोज और दूसरा है कॉमन सिविल कोड स्पेलिंग इक्वालिटी फॉर इंडियन जस्टिस। तो पहला आर्टिकल जिस पर हमें चर्चा करनी है, एमिराती फ्लोज। वास्तव में जो यूएई है उसके साथ इंडिया ने एक डील की है कि हम लोग अपनी करेंसीज में, यानी कि हम अपने रुपए में और यूएई की करेंसी में आपस के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ट्रेड है, वो करेंगे, बाइलेटरल ट्रेड करेंगे। इसी को लेकर ये न्यूज़ आर्टिकल है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पहलू पर इसमें चर्चा की गई है, जिसकी हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो वास्तव में 15 जुलाई को आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने एक फ्रेमवर्क पर साइन किया है, जिसके अंतर्गत दोनों कंट्रीज अपनी लोकल करेंसीज में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम इंडियन रुपी और यूएई के दिरहम, जो वहाँ की करेंसी है, में आपस में ट्रेड करेंगे बायलेटरल। इससे क्या होगा कि हम किसी थर्ड कंट्री की करेंसी, अर्थात जो हम डॉलर में ट्रेड करते हैं, उससे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के सेंट्रल बैंक ने साइन किया है। ठीक है, अब जितने भी करेंट अकाउंट पेमेंट्स हैं जो दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के साथ होंगे, और वो जो ट्रेड के पेमेंट्स होंगे वो सब रुपए और दिरहम में ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों की करेंसी का आपस में इंटरचेंज ज़्यादा होगा और यूएई और भारत दोनों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी डॉलर से डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज़ थी। इससे रिलेटेड कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो इसके पहली बात, इस ट्रेड की लोकल करेंसी में अगर ट्रेड करें तो उसके हाईलाइट्स क्या हैं, मेजर पॉइंट्स क्या हैं। पहली बात, दोनों की करेंसी अगर लिंक हो जाएंगी तो फास्ट पेमेंट सिस्टम हम लोग अडॉप्ट कर सकेंगे। यूएई का ट्रेड हम लोग देख रहे हैं, भारत और यूएई के बीच में 20% की ट्रेड ग्रोथ देखी है पिछले साल में। ठीक है, और दोनों देश के गवर्नर्स ने इस पर साइन किया है, और इससे क्या होगा, कॉस्ट और सेटलमेंट टाइम दोनों में कमी आएगी। ठीक है, अब अगर देखें कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की क्या सिनेरियो है यूएई और इंडिया के ट्रेड में, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 2021 से लेकर 2021-22 के बीच में अगर हम देखें तो 16.7 बिलियन डॉलर से बढ़ करके 20.1 बिलियन डॉलर हो गया। ये बिलियन डॉलर्स में फिगर है। और हमारा जो इम्पोर्ट है यूएई से वो 26.6% से 26.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 32.7 बिलियन डॉलर हो गया है। तो एक तरीके से हम देखें कि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ग्रोथ बहुत तेजी से हुए हैं। तो हालांकि अगर आप बिजनेस को ठीक से देख रहे हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, लगभग 12.6 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट है यूएई के साथ। ठीक है, लेकिन अब हमारा जब एग्रीमेंट होगा तो उसके साथ हमारा 90% एक्सपोर्ट जो है वो ड्यूटी फ्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वहां पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसमें कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, प्लास्टिक्स, ऑटोमोबाइल्स, लेदर एंड फुटवेयर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट कंपोजिशन में मेजरली यही पोर्शन होता है। ठीक है, तो लगभग हर मेजर एक्सपोर्ट हमारा ड्यूटी फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कि भारत का यूएई के साथ ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है और हमें उसके फायदे भी मिल रहे हैं। और अगर हम इसको बायलेटरली एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करेंगे तो उसका हमें फायदा भी मिलेगा। ठीक है, एक छोटी सी एनालिसिस ये है कि इससे यूएस डॉलर पर हमारा जो डेटल जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा और हम लोग अपने सारे पेमेंट्स इसमें कर सकेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, कॉमन सिविल कोड। आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज करने के लिए, जो लॉ कमीशन है उसने इसके लिए पब्लिक से ओपिनियन मांगी थी। ये पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, करीब 15-20 दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये आर्टिकल कल निकला है तो इस पर हम लोग चर्चा दोबारा से कर ले रहे हैं। कुछ अन्य बिंदु भी आपको नए समझ में आएंगे। तो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, यह वास्तव में जस्टिफिकेशन है इक्वालिटी के लिए। तो हम देखते हैं कि कॉमन सिविल कोड क्या होता है और कैसे होता है, ये तो आपको थोड़ा आइडिया होगा ही। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लें कि अगर हम
कॉमन सिविल कोड लागू करते हैं तो क्या होगा, इक्वल स्टेटस हो जाएगा सभी सिटीजन्स का, सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में जेंडर पैरिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी, अलग अलग धर्मों में बेसिक जो एलिगेशन लगता है वो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन का ही लगता है, ठीक है। यंग पॉपुलेशन की एस्पिरेशन को एकोमोडेट करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अच्छा होगा, और जो पर्सनल लॉज है उनके रिफॉर्म, अब उनमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं रहेगी, एक सीधा कॉमन सिविल कोड आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, क्योंकि भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो डाइवर्सिटी एक हमारे लिए प्रैक्टिकल इशू आएगा। उसके बाद ये माना जा रहा है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो ये रिलीजियस फ्रीडम पर हस्तक्षेप करेगा, जैसा कि लोग मान रहे हैं, एक मैसेज है लोगों के दिमाग में, और स्टेट का पर्सनल मैटर्स में इंटरफेरेंस मान रहे हैं, सेंसिटिव मुद्दा है और टफ है टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसलिए माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है इसको इस समय लागू करना। अब कुछ और इससे रिलेटेड न्यूज है, जैसे कि 2018 में 21st लॉ कमीशन ने कहा था कि यूसीसी नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज, तो उन्होंने इसको पहले से ही 21वें लॉ कमीशन ने कहा कि ये ना तो नेसेसरी और ना ही डिजायरेबल, ना इसकी आवश्यकता है, ठीक है। और इसके बाद जो 22वां लॉ कमीशन है उसने दोबारा से इसको मांगा और इस पर फ्रेश चर्चा शुरू करी है, ठीक है, इसलिए ये मामला अब न्यूज में आ गया है, ठीक है। तो जो 22वां लॉ कमीशन है उसने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए रिस्पॉन्सेज मांगे थे पर्सनल लॉ के लिए, तो बहुत सारी जगहों से बहुत सारे जो सजेशंस हैं वो आए हैं, ठीक है। रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज हैं जो हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए हैं, और ज्यादातर ये इशू शुरू होता है जब हम कॉलोनाइज कंट्री थे, तो वास्तव में इस चीज को मॉडर्नाइज करना और एक कॉमन सिविल कोड रिलीजियस कोड को हटाकर लागू करना, ये हमारा ड्रीम तो था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में इसको शामिल किया गया, ठीक है। और अगर हम देखें तो 1947 में हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने कहा था कि द टास्क बिफोर इंडिया वॉज टू क्रिएट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस विच विल एंश्योर जस्टिस एंड फुलनेस ऑफ लाइफ टू एवरी मैन एंड वुमेन। तो ये कहीं ना कहीं उस स्पिरिट के अकॉर्डिंग ही था कि हम सबको इक्वालिटी देंगे, लॉस सबके पर्सनल इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आप कोट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जगहों पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी को फेवर किया है अपने डिसीजंस में और कहा है कि आर्टिकल 44 को लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में, अपने डिसीजन, अपने ऑब्जर्वेशन में, डिसीजन तो नहीं कहेंगे, ऑब्जर्वेशन में गोवा को साइड किया और कहा कि वहां पर देखिए यूसीसी लागू है और कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई ट्रिपल तलाक जैसा मुद्दा भी नहीं है, ठीक है। यहां तक कि मुस्लिम मैन जो है उनकी मैरिजेस गोवा में रजिस्टर होती है, इसलिए वो पॉलीगैमी नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सजेस्ट किया था, ठीक है। ये वास्तव में साहबानो और सरला मुद्गल केस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिनको आपको देखना पड़ेगा। हिंदू जो हिंदू लॉ है वो हिंदू कोड बिल है, वो 1956 में कोडिफाई किया गया था, ये आपको पहले हमने बता रखा है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी वो हो गई, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा इसको। अन्य टॉपिक्स को हम लोग कल कवर करेंगे जो आगे के टॉपिक्स होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।